पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्लास ये 1 लीटर का है, मतलब इसका वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम राइट, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम में, यूनिट मतलब 1 सेकेंड, तो यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट टाइम में कितनी बार कोलिजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। प्लस ये थोड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में क्लियर नहीं किया उन्होंने ठीक से। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसका हम लोग सिंबल लिखते हैं जेड। तो क्लास इफ देयर आर मोर कोलिजन्स इन यूनिट टाइम एंड यूनिट वॉल्यूम, तो कोलिजन ज्यादा होंगे, तो कोलिजन ज्यादा होंगे तो रिएक्शन होने का चांसेस भी बढ़ेगा। तो क्लास कभी कभी कुछ गैसीय रिएक्शन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी 10^21, 10^28 इससे भी ज्यादा होता है कभी कभी। तो ये क्लास ये नंबर ऑफ कोलिजन, 1 सेकंड में इतने कोलिजन होने, ये नंबर बहुत बड़ा है राइट। तो अगर इतने सारे कोलिजन हो रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, तो रिएक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो रिएक्शन शुड कंप्लीट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो ऐसा बहुत बार नहीं होता। तो सिर्फ कोलिजन होना ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोलिजन एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट है, पर बहुत ज्यादा कोलिजन मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन, ये मतलब ये क्लियर, ये सच नहीं है। हाँ, अगर कोलिजन ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फास्ट होने का चांसेस ज्यादा है, पर कोलिजन ही अकेला फैक्टर नहीं जो रिएक्शन का रेट डिसाइड करता है, और भी फैक्टर है, पर एक वन ऑफ द फैक्टर इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी या कोलिजन रेट, या फिर देर शुड बी सम कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो बिटवीन ए एंड बी सी देर मस्ट बी कोलिजन, अगर कोलिजन होगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, और कोलिजन बहुत ज्यादा बार हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बहुत ज्यादा है तो रिएक्शन होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इज कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। मतलब दूसरा क्राइटेरिया होता है एक्टिवेशन एनर्जी, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू आर गोइंग टू लर्न दिस, या यू ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स एंड एलिन्स, एल्केन्स एंड एलिन्स अंडर एसएन1 एसएन2 मैकेनिज्म। तो एक्टिवेशन एनर्जी मैं आपको बताता हूँ, अगर मालूम नहीं रहेगा आपको, तो एक्टिवेशन एनर्जी सिंबल उसका होता है TA। तो क्लास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है पहले वो देखते हैं। समझो हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्टेंट ए react with other reactant BC. So class we plot the graph, and on graph we show the energy changes during chemical reaction. So jaise jaise reaction aage badh raha hai, how energies are changing during chemical reaction, we are going to discuss with the help of graph. So I'll plot this graph, and this graph you are going to learn in chapter halogen derivative alkenes and arenes in two detail, and if you understand here it will become easy for you to understand that graph also. तो क्लास ऑन एक्स एक्सिस वी टेक रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, रिएक्शन का कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी। तो क्लास समझो हमारे पास रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी सी है, तो रिएक्टेंट ए के पास अपना खुद का कुछ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और रिएक्टेंट बीसी के पास भी अपना कुछ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लस रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बीसी दोनों का मिला के जो टोटल एनर्जी है, ओके आई विल कॉल दैट एज टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। समझो वो एनर्जी है, से फॉर एग्जांपल वो एनर्जी है 20 किलो जूल, कितना एनर्जी है 20 किलो जूल। तो रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बीसी रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब समझो रिएक्शन शुरू होकर 5 मिनट हो गया, बाद में 10 मिनट हो गया, तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कोऑर्डिनेट अलग अलग स्टेजेस। पहले क्या होगा मैं बताता हूँ क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन दिस एज वी प्रोसीड इन द टॉपिक। सो समझो रिएक्टेंट का मिला के एनर्जी, ए और बी सी का मिला के एनर्जी कितना, समझो 20 किलो जूल, ओके दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एंड एवरी रिएक्टेंट, एवरी केमिकल हैज सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो ए और बी सी का मिला के एनर्जी कितना, समझो 20 किलो जूल ठीक है। तो क्लास जब ए पोलराइज करेगा इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो क्लास क्या होता है, पहले ए और बी के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा, ए और बी के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा, और बी एंड सी का बॉन्ड पार्शियली टूट जाएगा। तो ना जो बना है ये इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल, ये ना ठीक से रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, ये जो बना है इट इज नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट, हम इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो ये जो बना है इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। It is somewhere between the reactant product. And class, अगर ये बनना, अगर A और B के बीच में bond बनेगा partially, और B और C के बीच का bond partially टूट जाएगा, तो system become highly unstable. तो ये unstable है.
ओके सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज ऑन इंक्रीजिंग, एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एंड क्लस जहाँ पे वो एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ पे सिस्टम सबसे ज्यादा अनस्टेबल है और जहाँ पे ये क्या बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को बनने के लिए जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, तो समझो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के लिए एनर्जी चाहिए आपको 50 किलो जूल, से फॉर एग्जांपल आपको कितना एनर्जी चाहिए, 50 किलो जूल टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब 50 किलो जूल एनर्जी रिएक्टेंट के पास नहीं होगा। मैं करता हूँ एक्सप्लेन ठीक से करता हूँ, अगर अगर ए और बी से के पास मिला के 50 किलो जूल एनर्जी नहीं होगा तो ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, और अगर ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो प्लस रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 20 किलो जूल एनर्जी था, तो ए और बी सी के बीच में कोलिजन होके, उनके बीच में जोर से कोलिजन होके सिस्टम का एनर्जी इतना बढ़ना चाहिए कि वो 50 तक पहुंच जाए, तो रिएक्टेंट को मेरा स्क्रीन सबको ब्लर दिख रहा है क्या, किसी एक को दिख रहा है, बहुत मुझे कंप्लेंट आ रहा है रिएक्शन स्क्रीन ब्लर है, हेलो, क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा प्लान है, तो मेरा मुझे लगता है कि आप जिसको भी ब्लर दिख रहा है आपका डेटा प्लान आपका प्रॉब्लम है वो, हाँ प्लीज, हाँ क्योंकि बार बार मुझे मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन ब्लर है, पर माय डेटा मेरा मतलब मुझे लगता है कि डेटा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ब्लर नहीं दिखना चाहिए सबको। ओके तो कुछ लोगों को दिख रहा है ब्लर, तो प्लीज आप थोड़ा सा अपडेटेड प्लान यूज करो, सॉरी देखने, तो हाँ मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो ए और बी सी को कुलाड करके क्या बनाना है, ये इंटरमीडिएट बनाना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट बनने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 50 किलो जूल, कितना एनर्जी चाहिए, 50 किलो जूल, और रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कितना एनर्जी था, 20 किलो जूल, तो ए और बी सी के बीच में जब कोलिजन होगा तो प्लस काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो जो एनर्जी उनके बीच में जो कोलिजन होकर जो एनर्जी क्रिएट होगा, ओके वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के लिए यूज होगा, तो प्लस हाउ मच एनर्जी, टेल मी कितना एनर्जी चाहिए आप बोलो मुझे, आपको कितना कोलिजन से कितना एनर्जी पैदा होना चाहिए मिनिमम, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा, तो मिनिमम कितना एनर्जी पैदा होना चाहिए, 30 किलो जूल, राइट, वेरी गुड, तो 30 किलो जूल एनर्जी बिकॉज ऑफ कोलिजन शुड बी प्रोड्यूस, या फिर बिकॉज ऑफ कोलिजन ए और बी सी के जब कोलिजन होगा तो बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन द एनर्जी प्रोड्यूस शुड बी 30 किलो जूल, अगर एनर्जी 30 किलो जूल से कम बनता है तो इंटरमीडिएट नहीं बन पाएगा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर एनर्जी 30 या 30 किलो जूल से ज्यादा बनता है तो आपका ये रिएक्टेंट इस स्टेज तक पहुंच पाएगा, कहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेज पे, ओके, तो क्लास यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी स्टेज है, सबसे अनस्टेबल स्टेज जहाँ पे ये बन रहा है इंटरमीडिएट, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन स्टेट, हम लोग बोलते हैं स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, डोंट वरी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन, ट्रांजिशन हम लोग स्टेज को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, तो क्लास अभी ये मोस्ट अनस्टेबल स्पीशी बन चुका है, जो ठीक से ना रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, तो जो स्पीशी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो प्लस बींग सो अनस्टेबल वो क्या होगा, वो ज्यादा टाइम पे टिक नहीं पाएगा, बाद में क्या होगा, इमीडिएटली ए एंड बी के बीच का बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा, सॉरी बी एंड सी के बीच का बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा और ए एंड बी के बीच में कम्प्लीटली बॉन्ड बन जाएगा, तो ए एंड बी में कम्प्लीटली बॉन्ड बन जाएगा और बी एंड सी का बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाएगा, तो प्लस अगर ये बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्म होता है और ये बॉन्ड कम्प्लीटली टूट जाता है तो सिस्टम अगेन बिकम स्टेबल, तो सिस्टम वापस स्टेबल बनना शुरू होगा, बिकॉज मोर द लेस द स्टेबिलिटी मोर द एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी लेस द एनर्जी, तो अगर सिस्टम वापस स्टेबल बन गया तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ सिस्टम गोज ऑन डिक्रीजिंग, प्लस समझो यहाँ पे प्रोडक्ट बना, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बनता तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, रिएक्शन को एंडोथर्मिक, समझो प्रोडक्ट यहाँ पे बना तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी गिवन आउट, तब बोलते हैं रिएक्शन को एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है ए प्लस बी सी और यहाँ पे प्रोडक्ट है ए बी सॉरी ए बी प्लस सी, तो क्लास दिस एनर्जी पड़ा था एक्टिवेशन एनर्जी, तो वापस बोलता हूँ आपके पास रिएक्टेंट है ए एंड बी सी, तो रिएक्शन होने के समय क्या होगा, ए और बी सी के बीच में कोलिजन होगा, तो अगर ए एंड बी सी के बीच में कोलिजन होगा तो ए एंड बी के बीच में ए एंड बीच ए बी के बीच में पार्शियल बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड पार्शियली फॉर्म होगा और बी एंड सी का बॉन्ड जो स्ट्रांग है वो पार्शियली ब्रेक हो जाएगा, तो ये जो बनता है हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, और सब सब हर एक रिएक्शन को इंटरमीडिएट बनाना पड़ता है, अगर इंटरमीडिएट नहीं बनता तो प्रोडक्ट नहीं बनता, मतलब समझो इस इंटरमीडिएट का एनर्जी कितना है, 50 किलो जूल, तो ये इंटरमीडिएट बनने के लिए आपको 50 किलो जूल एनर्जी का जरूरत है, ठीक है,
ये इंटरमीडिएट बनाने के लिए आपके पास रिएक्टेंट को, अगर इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट का एनर्जी 50 किलो जूल है पर रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी 20 किलो जूल है, तो ए और बी सी को कोलाइड करके इतने स्ट्रांगली कोलाइड करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस विल बी 30 किलो जूल. तो 30 किलो जूल एनर्जी और प्रोड्यूस होगा, ऑलरेडी 20 है और 30 किलो जूल प्रोड्यूस हो गया, तो दे कैन रीड दैट ट्रांजिशन स्टेट और जहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा. और बाद में क्या होता है, इंटरमीडिएट टूट जाता है एंड इट गिव्स यू प्रोडक्ट. तो अगर वापस प्रोडक्ट बनता है तो सिस्टम अगेन बिकम स्टेबल, सिस्टम अगेन बिकम स्टेबल, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया. तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. तो क्लास समझो हमारे पास इस बिकर में समझो 20 लाख मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स 20 लाख. हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए सर. वो जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कैसे होता है फिर से बताओ ना. एक्सोथर्मिक समझो तुम्हारा रिएक्टेंट का एनर्जी ये है. हेलो. हाँ सर. हाँ, और ट्रांजिशन स्टेट पे हम लोग पहुंच गए. ट्रांजिशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट टूटता है, क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, राइट. समझो अगर प्रोडक्ट यहाँ पे बनता, समझो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता, समझो यहाँ पे बनता, समझो नहीं बन रहा, समझो यहाँ पे बनता, तो प्रोडक्ट एनर्जी कितना समझो 30 किलो जूल से फॉर एग्जांपल. हाँ, किसका ज्यादा, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, प्रोडक्ट का ज्यादा है. मतलब रिएक्टेंट होते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया, राइट. हाँ, तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक समझो अगर प्रोडक्ट यहाँ पे, अगर प्रोडक्ट का एनर्जी कितना होता है समझो 10 किलो जूल, समझो कितना होता है 10 किलो जूल, 10 किलो जूल. रिएक्टेंट का कितना है 20, प्रोडक्ट का कितना है 10. मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी इज गेन और लॉस्ट, लॉस, लॉस एक्सोथर्मिक. थैंक यू. ओके. हाँ, तो ये जो एनर्जी, हाँ हमारे पास कितने मॉलिक्यूल थे समझो 20 लाख मॉलिक्यूल हमारे पास थे यहाँ पे. हाँ, जो एनर्जी चाहिए वो सिर्फ कोलिजन से ही मिलता है, और कहाँ से मिलेगा बोलो. हाँ मैं बताता हूँ और कहाँ से मिलेगा, वो भी बताता हूँ. जस्ट अ सेकेंड. सॉरी, बताता हूँ क्लास थोड़ा आराम से. तो क्लास अभी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 20 लाख मॉलिक्यूल्स है, और 20 लाख मॉलिक्यूल्स में समझो सिर्फ 1 लाख मॉलिक्यूल के पास, 1 लाख मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होके समझो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, कितना 30 किलो जूल. मतलब कोलाइड 20 के 20 लाख मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे पर सब कोलिजन, सब कोलिजन से इतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, कितना 30 किलो जूल. 30 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा सब कोलिजन से. तो समझो 20 लाख में सिर्फ 1 लाख मॉलिक्यूल्स है जिनके कोलिजन से इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है. तो सब मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होता. मेरे पास 20 लाख मॉलिक्यूल है पर सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है. 20 लाख में सिर्फ 1 लाख मॉलिक्यूल है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब कि अगर उनके इसमें कोलिजन होगा तो दे कैन रीच दैट ट्रांजिशन स्टेट. तो क्लास अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो अभी भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ उसका डायरेक्ट इक्वेशन है, उसको बोल्ट्ज़मैन इक्वेशन. मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो बोल्ट्ज़मैन इक्वेशन आपको देता है, आइडिया देता है कि आपके पास कितना परसेंटेज मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी. तो एफ मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी. एफ मतलब क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो 20 लाख में से 1 लाख मतलब क्या, फ्रैक्शन कितना हो गया 1 लाख आउट ऑफ 20 लाख, दैट फ्रैक्शन. तो कितने फ्रैक्शन के पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है एट गिवन टेम्परेचर, कितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है एट गिवन टेम्परेचर, दैट इज गिवन बाय बोल्ट्ज़मैन इक्वेशन. तो एफ इज इक्वल टू ई रेस टू इज एक्सपोनेंशियल फ्रॉम मैथमेटिक्स माइनस ई ए, माइनस ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कितना इस रिएक्शन का 30 किलो जूल अपॉन आर टी एट गिवन टेम्परेचर. एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. तो इतने फ्रैक्शन समझो अगर ये आंसर आता है आपको 0.2, मतलब 20% मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है. अगर आपको आंसर आता है 0.8 तो 80% मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है. आपको आंसर आता है 0.6 तो 60% मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी है. प्लस इसके डिटेल में आपको नहीं जाना ज्यादा. तो एफ इंडिकेट्स फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है. मैं बोला 20 लाख मॉलिक्यूल्स है, क्या सबके पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, नहीं सबके पास नहीं होता. तो कितने के पास होता है, तो दिस इक्वेशन गिव्स यू आइडिया, दिस इक्वेशन गिव्स यू आइडिया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर दिस एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है. तो वापस एक बार बताता हूँ, हमारे पास बीकर में, हमारे पास इस कंटेनर में 20 लाख मॉलिक्यूल्स है. ओके, तो रिएक्शन कब होगा, जब रिएक्टेड मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा. तो सर क्लास कोलिजन, सिर्फ कोलिजन होके फायदा नहीं होता, सिर्फ कोलिजन होके फायदा नहीं होता, सिर्फ कोलिजन होके प्रोडक्ट बना तो रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाएगा. तो और भी कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो जो दो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है
तो जब कोलाइड करेंगे तो ट्रांजिशन सेट में चले जाएंगे, और ट्रांजिशन सेट तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 30 किलो जूल, मतलब दो एक कोलिजन ऐसा हुआ आराम से यार, ऐसा आराम से, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ सिर्फ 20 किलो जूल, तो 20 उनके पास था, 20 और प्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ 20 प्लस 20 40, वो 50 को क्रॉस नहीं कर रहा, वो कोलिजन कुछ काम कर नहीं, प्लस एक कोलिजन बहुत जोर से हुआ, बहुत जोर से, और उसने एनर्जी कितना प्रोड्यूस किया समझो 40, तो आपके पास 20 था, उसने प्रोड्यूस किया 40 प्लस 20 60, 50 को क्रॉस कर दिया, तो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एनर्जी चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी मिल गया, रिएक्शन ये ट्रांजिशन स्टेट पे आराम से चला जाएगा। तो आपके पास मिनिमम कोलिजन होगा ना बिटवीन ए एंड बी सी, तो ए एंड बी सी को कोलाइड करके मिनिमम 30 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए बाय कोलिजन। तो क्लास एनर्जी मालूम है आपको, एनर्जी कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, जब कोलिजन होगा तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू दिस एक्टिवेशन एनर्जी, और कैसे पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू रीच दैट स्टेज ट्रांजिशन स्टेट। आई होप इट इज क्लियर। तो कितने ओके क्लास, अभी ये बोलोगे आप एक्सप्लेन करो, तो क्लास इसके लिए हम लोगों ने एक पूरा सब्जेक्ट सीखा था एमएससी पार्ट 2 में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, तो क्लास इसके बारे में सोचो भी मत ये कैसा है। आप जस्ट इतना याद रखो कि अगर आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स है तो कितने फ्रैक्शन, कितने परसेंटेज के पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो ये फॉर्मूला हमें बताया कितने परसेंटेज मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, सबके पास नहीं होता, 100% मॉलिक्यूल नेवर पजेस एक्टिवेशन एनर्जी, तो कितने मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी होता है, तो ये फॉर्मूला है, तो एफ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, वेर ई इज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, तो हर एक रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होता है, एक्टिवेशन एनर्जी टी द टेम्परेचर एट विच दिस बीकर इज देयर, बिकॉज अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा, और जो कॉन्स्टेंट होता है, हाँ सबके पास नहीं होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी सेम थोड़ी होता है, अभी एक क्लास में 100 बच्चे हैं, क्या सब फर्स्ट आते हैं क्लास में, कभी नहीं आते ना, हर एक मॉलिक्यूल का एनर्जी अलग अलग होता है, तो ई रेस्ट माइनस ए अपॉन आर टी, ठीक है, ये हो गया, दैट नंबर गिव्स यू द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्लास समझो हमारे पास 20 लाख में से 1 लाख मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो अगर इसको हीट करोगे आप, समझो इसको हीट करोगे आप, तो 1 लाख मॉलिक्यूल के पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, अगर बीकर को हीट करोगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगा बाहर से हीट के फॉर्म में, तो बाहर से हीट के फॉर्म में एनर्जी होगा, तो उनका नंबर, उनका स्पीड बढ़ेगा, तो दे कैन कोलाइड फास्ट, दे कैन कोलाइड स्ट्रॉन्गर, इफ दे कैन कोलाइड स्ट्रॉन्गर दे कैन अचीव एक्टिवेशन एनर्जी। तो समझो एट 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास 1 लाख मॉलिक्यूल थे जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, एट 40 डिग्री सेल्सियस यू मे हैव 2 लाख मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि अब इनका एनर्जी देखो, अभी 30 डिग्री पे सिर्फ 1 लाख मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी था, और 40 डिग्री पे क्या हो गया, आपने एनर्जी सप्लाई किया तो मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ गया, तो मॉलिक्यूल का एनर्जी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा कि वो कोलाइड स्ट्रॉन्ग, कोलाइड ज्यादा फास्ट करेंगे, करने के लिए ज्यादा है तो कोलाइड स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी उनके पास भी आ गया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है राइट, तो क्या होता है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी वो बढ़ता जाता है। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ता, एक्टिवेशन एनर्जी 30 किलो जूल ही रहेगा, मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है 30 किलो जूल, पहले कम 30 डिग्री पे कम मॉलिक्यूल के पास इतना एनर्जी है, 40 डिग्री पे ज्यादा मॉलिक्यूल के पास उतना एनर्जी है, 50 पे और ज्यादा मॉलिक्यूल होगा जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो एज टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, देखो मैं स्टेटमेंट जो लिख रहा हूँ बहुत अच्छे सुनो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, यहाँ पे एकदम क्लियर है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन मतलब परसेंट ऑफ मॉलिक्यूल पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। तो क्लास समझो, क्लास में तो क्लास समझो हमारे पास क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें सिर्फ 20% बच्चे 60% मार्क्स ला रहे हैं राइट, फिर एमबीसी सर ने अब हाँ अपने पास सिर्फ 20% स्टूडेंट है, 20% स्टूडेंट जो 60% मार्क्स ला रहे हैं अपने क्लास में जो बच्चे हैं ठीक है ओके। अभी एमबीसी सर ने आपका एक लेक्चर लिया, मोटिवेशनल लेक्चर, उन्होंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, तो क्या होगा 20% समझो हमारे पास 100 बच्चे थे, तो अभी 20 बच्चे खुद मोटिवेट सेल्फ मोटिवेटेड थे, तो 20% बच्चे 60% मार्क आए थे, अभी एमबीसी सर ने बहुत मोटिवेट किया, पढ़ाई करो, अच्छा करो, ये करो, वो करो, आपको उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, तो क्या हो गया
100 में से और 10 लोग को लगा रहे हमें भी पढ़ना चाहिए, तो 10 बच्चे और बढ़ गए, राइट? ठीक है, जिनको लगा कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए जो मोटिवेटेड हो गए, बराबर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके, प्रोसेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस एंड रिएक्शन होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ओके, शेक करके देखो, ये सब बात चल रही है ना, दिस इज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, तो आप गैसेस को शेक करके उनका कोलिजन नहीं बढ़ा सकते, और ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ नहीं, किसने बोला शेक क्यों करेंगे तो एक्टिवेशन नहीं पड़ेगा क्या, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला शेक करके। ओके, तो क्लास लास्ट फैक्टर है रिएक्शन होने के लिए, वो है देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास रिएक्टेंट है ए, आपका मॉलिक्यूल ए है, और हमारे पास दूसरा रिएक्टेंट है बी सी, ये बी सी, ये मॉलिक्यूल बी सी, रिएक्टेंट ये मॉलिक्यूल ए और ये मॉलिक्यूल बी सी है। ओके, अगर इनके इसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हाँ दिखा दो, एक मिनट होगा, पहले कंप्लीट करता होता हूँ। तो ए रिएक्ट विद बी सी, ए रिएक्ट करता है करेगा बी सी के साथ, और क्लास बाद में क्या होगा, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, राइट, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, और सी विल बी रिमूव, अब यहाँ पे सी होगा, बराबर है। तो क्लास देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ए और बी सी के बीच में कोलिजन हो रहा है, राइट। तो क्लास अगर ए और बी सी के बीच में कोलिजन ऐसा हुआ, तो ये यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी सी आ रहा है, और दोनों ही कोलिजन हो गया, तो ए और बी कॉमन होके बॉन्ड बना दिया और सी को निकाल दिया, ठीक है। तो क्लास अगर ऐसा, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता स्पेस में, ये ए है, ठीक, मैं लिख भी देता हूँ, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ए और बी सी, राइट। तो हमें मिला ए बी प्लस सी, तो क्लास समझो ये ए है और ये बेसिक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है, ओके। अभी इन दोनों के बीच में कोलिजन हो गया, किसके बीच में, ए और बी सी के बीच में, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी सी, तो प्लस ए एंड सी दे डोंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, आपस में बॉन्ड बनाने वाले नहीं है, तो यहाँ पे अगर जोर से कोलिजन होगा इसके बीच में, ए और सी के बीच में अगर कोलिजन होगा, अगर ए एंड सी के बीच में कोलिजन होगा बहुत जोर से, तो भी कुछ नहीं बोलना है, देयर इज नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा। आई विल गिव द रियल एग्जांपल ऑफ दिस, मैं इसका रियल एग्जांपल देता हूँ। तो क्लास आप अगर जब चैप्टर सीख रहे हो एच डी ए हैलोजन रेडियो फाल्कन आयरन, उस चैप्टर में एक रिएक्शन है, सी एच 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 बी आर मिथाइल ब्रोमाइड, ओके, व्हेन इट रिएक्ट विद ओ एच, जब वो ओ एच का रिएक्ट करता है, तो क्लास जब ओ एच का रिएक्ट करता है तो देखो क्या होता है, ओ एच कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड, ओ एच अटैक करता है कार्बन के ऊपर यहाँ से, तो ओ एच अटैक ऑन कार्बन फ्रॉम बैक साइड, ओके, और क्या होता है, ओ एच अटैक फ्रॉम बैक साइड, तो क्लास क्या होता है उससे, जब ओ एच अटैक ऑन कार्बन, तो कार्बन और ओ एच के इसमें बॉन्ड बन जाता है, तीनों हाइड्रोजन इस साइड पे चलाते हैं, दे इनवर्ट, दैट इज फॉर इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बहुत डिटेल से सीखोगे आप ये, तीनों हाइड्रोजन जो ये साइड पे थे वो साइड पे चलाते हैं, जैसे बारिश में छतरी के साथ उल्टा हो जाता है वैसे, वो तीनों हाइड्रोजन उस साइड पे, इस साइड पे चले जाएंगे, तो क्लास ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम है, समथिंग लाइक दिस, तो ये तीन इस साइड पे ऐसे थे, इस साइड पे थे, अभी वो इस साइड पे ऐसे चले गए, ठीक है। तो और यहाँ पे बी आर निकल जाता है, तो बी आर इज लिविंग ग्रुप, प्लस यहाँ पे ओ एच न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज स्पीशी विच अटैक ऑन दिस कार्बन, ओके, प्लस अगर ये मॉलिक्यूल आपके पास सी एच 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 और यहाँ पे है आपके पास बी आर, अगर ओ एच यहाँ से अटैक करता है, अगर OH फ्रंट साइड से अटैक करता है, फ्रंट साइड से कहाँ पे, यहाँ पे इस मॉलिक्यूल पे, तो ये OH BR के सामने आएगा, BR भी खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो जैसे OH फ्रंट साइड से अटैक करेगा, BR इस OH को बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, उसको बहुत सीधा उसको भगा देगा उधर से, इट विल रिपेल इट, और यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, देयर इज नो रिएक्शन,
ठीक है, तो क्लास जब मॉलिक्यूल देखो तीन रिक्वायरमेंट है, पहली बात कोलिजन होना चाहिए, दूसरी बात जो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, और तीसरी बात कोलिजन हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है, पर अगर कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हो रहा तो भी फायदा नहीं है, तो तीन रिक्वायरमेंट है एवरीवन, देयर मस्ट बी कोलिजन, बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, नंबर टू रिक्वायरमेंट है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, मस्ट पजेस, पजेस मतलब आफ्टर कोलिजन दे मस्ट पजेस एक्टिवेशन एनर्जी। तो प्लस एक्टिवेशन एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक है, ओम पांडे ने आंसर बताया एक्टिवेशन एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक है। तो प्लस जब ए और बी सी कोलाइड कर रहे हैं तो जो कोलाइड कर रहे हैं मतलब ड्यू टू देयर स्पीड दे कोलाइड, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द एक्टिवेशन एनर्जी, सो दैट इज अ दैट एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इज अ काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी बाद में जब ए और बी सी के बीच में जो कोलिजन होकर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो काइनेटिक एनर्जी बाद में एक्टिवेशन को रीच करने के लिए यूज होता है। तो समझो रिएक्टिंग के पास 20 किलो जूल एनर्जी है और एक्टिवेशन को एक्टिवेशन तक पहुंचने के लिए 50 चाहिए, तो ए और बी सी ने इतना जोर से कोलाइड करना चाहिए कि उनके कोलिजन से 30 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए जो उनको इस स्टेट पे लेके जाएगा। तो दैट एनर्जी इज अ हां क्लास, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में था, डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी एक मार्क के लिए, क्या था आंसर, इट इज अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट पजेस बाय द मॉलिक्यूल टू रीच ट्रांजिशन स्टेट, द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पजेस एक्टिवेशन एनर्जी, और तीसरा तीसरा रिक्वायरमेंट दे मस्ट हैव, क्लास ये मॉलिक्यूल स्पेस में प्रॉपरली अपनी जगह पे होना चाहिए, दे मस्ट हैव, उसको बोलते हैं प्रॉपर वर्ड, दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन इन स्पेस, तो दे मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो दे शुड बी ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अभी अगर ये बॉन्ड OH एंड CH के बीच में बॉन्ड बनना है तो OH शुड बी ऑन द बैक साइड ऑफ कार्बन एंड नॉट फ्रंट साइड ऑफ द कार्बन, दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब क्या, उनका अरेंजमेंट स्पेस में, देयर मस्ट बी प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो क्लास समझो आपके पास 60 लैक्स मॉलिक्यूल्स है और 60 लैक्स में सिर्फ 20 लैक्स मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो कितने मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन बांट लेंगे, सिर्फ 20 लैक्स। तो क्लास दैट कितने मॉलिक्यूल के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उस चांस को बोलते हैं पी, तो पी इंडिकेट्स व्हाट, नंबर ऑफ कोलिजंस विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, और कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ कोलिजंस विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो क्लास अभी मैं जो बता रहा हूं आपके टेक्स्ट बुक में वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कोलिजन होना चाहिए, तो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन व्हाट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोलिजन हो रहा है, राइट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी बार कोलिजन हो रहा है, राइट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी, तो रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिवेशन एनर्जी इज ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। और तीसरा रिक्वायरमेंट है क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर ओरिएंटेशन है, तो पी इज अ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, तो के इज इक्वल टू जेड इंटू ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी इंटू पी, इसको रीअरेंज करेंगे तो के इज इक्वल टू पी इंटू जेड पी रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी। ओके, तो क्लास P एंड Z बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो P भी कॉन्स्टेंट है और Z भी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग P इंटू जेड को हम लोग सीधा बोलते हैं A, बता दो एक मिनट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। P इंटू Z को हम लोग, ये दो कॉन्स्टेंट है तो उसको हम एक ही करते हैं, उसको बोलते हैं A, एंड दैट कॉन्स्टेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय साइंटिस्ट अरेनियस, तो इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ Arrhenius factor. I am going to explain. Don't worry. Arrhenius factor or frequency factor. I am going to explain again entire theory. Don't worry. Frequency factor. A is called Arrhenius factor or frequency factor, which is nothing but P into Z. So plus finally, we can write this equation. K is equal to A into E raised to minus E upon RT. So this is
कॉल्ड एज अरेनियस इक्वेशन. मतलब बहुत पहले हमने बोला था रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. टेल मी हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. टेम्परेचर देखो दिस इज ए अपॉन आर टी राइट. तो प्लस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए अपॉन आर टी क्या होगा बोलो. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए अपॉन आर टी बढ़ेगा कम होगा. आई डोंट से माइनस एन, माइनस एन मत लो. टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए अपॉन आर टी क्या होगा कम होगा. तो अगर ए अपॉन आर टी कम होगा बाहर माइनस साइन है तो ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी क्या होगा. अगर ए अपॉन आर टी कम है, कम हो रहा है और बाहर माइनस साइन है तो कैसे रहे. ए अपॉन आर टी कम हो रहा है और बाहर माइनस साइन है तो ये वैल्यू कम हो रहा है और बाहर माइनस साइन है तो या फिर ठीक है ज्यादा होगा ना. ए अपॉन आर टी अगर कम हो रहा है तो ये बाहर माइनस साइन है. अगर ये ब्रैकेट वाला टर्म कम हो रहा है और बाहर माइनस साइन है तो ये पूरा टर्म क्या होगा बढ़ जाएगा. अगला अगर ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा तो के भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट कॉन्स्टेंट भी बढ़ता जाता है. ठीक है तो वॉट एवर आई डिस्कस नाउ अप टिल नाउ मैंने अभी तक जो भी आपको बताया पूरा क्विकली. द क्लास फाइनली एक बार लास्ट बार हम लोग बात करते हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में. आपके पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी सी. हमारे पास रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी सी है. व्हाट इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट एवरीवन. बिटवीन ए एंड बी सी देयर मस्ट बी कोलिजन. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होना चाहिए कोलिजन होना चाहिए. ओके तो ए और बी सी के बीच में समझो अपना कंटेनर है कितना 1 लीटर का मतलब क्या यूनिट वॉल्यूम. तो इस कंटेनर में आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ए एंड बी सी. तो इस कंटेनर में एक सेकंड में कितने कोलिजन हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी बार कोलिजन हो रहे हैं बिटवीन ए एंड बी सी. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी. तो अगर ज्यादा कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई है. और कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई मतलब क्या कोलिजन ज्यादा हो रहा है मतलब रिएक्शन का चांसेस भी ज्यादा है. अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स कम है तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी लो है. कोलिजन फ्रीक्वेंसी लो है तो रिएक्शन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बने उसका चांसेस भी कम है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है 10 से 21, 10 से 28, 10 से 30, 35 भी होते हैं. तो इतने बार कोलिजन हो रहा है तो रिएक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए पर ऐसा नहीं होता. तो प्लस क्यों नहीं होता तो क्योंकि और भी दो फैक्टर है जो रिएक्शन का स्पीड डिसाइड करते हैं. सिर्फ अकेला कोलिजन रिएक्शन का स्पीड डिसाइड नहीं करता पर वो वन ऑफ द फैक्टर है. कोलिजन होना चाहिए नहीं तो रिएक्शन होगा ही नहीं. दूसरा क्या है बिटवीन ए एंड बी सी जब कोलिजन होता है तो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो जब ए बी सी के ऊपर अटैक करेगा तो ए और बी के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनेगा और बी एंड सी का बीच बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा. तो जो बना है दिस इज कॉल्ड द इंटरमीडिएट. तो हर एक रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो. तो प्लस ये इंटरमीडिएट बहुत अनस्टेबल होता है और बहुत अनस्टेबल होने के लिए इसका बहुत ज्यादा एनर्जी होना चाहिए. ठीक है रूल मालूम है आपको लेस द स्टेबिलिटी मोर द एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी लेस द एनर्जी. तो ए और बी सी को अगर ये इंटरमीडिएट बनाना है समझो वो इंटरमीडिएट बनने के लिए कितना नहीं चाहिए 50 किलो जूल और ए एंड बी सी के पास ऑलरेडी मिला ए और बी सी के पास मिला के ऑलरेडी कितना एनर्जी 20 किलो जूल. तो ए और बी सी के बीच में कोलिजन होके आपको 30 किलो जूल एनर्जी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड वी कॉल इट एनर्जी एज व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी. तो अगर ए और बी सी कोलाइड करके इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो दे कैन रीच दैट ट्रांजिशन स्टेट एंड दे कैन नाउ टेक पार्ट इन रिएक्शन. पर ए और बी सी अगर कोलाइड करके इतना एनर्जी नहीं अचीव कर पा रहे 30 किलो जूल तो वो कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो आपके पास 20 लाख मॉलिक्यूल है समझो बेकर में तो सबके पास सब जब कोलाइड करेंगे आपस में तो सबके सब कोलिजन इतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते. कुछ कोलिजन इससे कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं. एक्चुअली बहुत कम मॉलिक्यूल इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं राइट इतना 30 किलो जूल. तो जितने भी मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं एट गिवन टेम्परेचर तो दैट इज गिवन बाय बोल्ट्जमैन इक्वेशन. तो बोल्ट्जमैन बोलता है कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन व्हिच कैन प्रोड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी इज ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी. तो व्हाट इज ई ए हर एक रिएक्शन का अपना खुद का एक्टिवेशन एनर्जी होता है. तो ईए का वैल्यू होता है एक्टिवेशन एनर्जी. आर इज गैस कॉन्स्टेंट टी द टेंपरेचर एट व्हिच रिएक्टर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. अगला मैंने आपको एक चीज और बताया अगर आप बीकर को हीट करोगे तो क्या होगा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगा हीट के फॉर्म में तो उनका स्पीड बढ़ेगा उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. तो मोर मॉलिक्यूल्स अभी पहले सिर्फ 20 लाख में से 1 लाख मॉलिक्यूल कोलाइड कर पा रहे थे. अगर आप उनको हीट करोगे तो 20 लाख में से समझो 2 लाख मॉलिक्यूल अभी कोलाइड कर पा रहे हैं. मतलब 20 लाख में से 1 लाख मॉलिक्यूल सिर्फ कोलिजन करके एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर पा रहे थे. बता दो तो 20 लाख में से सिर्फ 1 लाख मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर पा रहे थे एट समझो टेम्परेचर 30 डिग्री. पर आप हीट करोगे तो
समझो टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया तो मॉलिक्यूल्स को हीट मिल गया, तो अभी 20 लाख में से समझो 2 लाख मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर पा रहे हैं। मतलब पहले 1 लाख मॉलिक्यूल 30 को क्रॉस कर पा रहे थे, अभी 2 लाख मॉलिक्यूल क्रॉस कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस। प्लस ये इंपॉर्टेंट है, देखो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। हाँ प्लस यहाँ पे ई क्या होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है। अपने ई सी ना सीखा है मैथ्स में, ई उसका 2.74 कुछ तो वैल्यू है ई का वैल्यू, ये सब मैथमेटिकल टर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंट लॉग ई लॉग, आपने कभी सुना ही है ई, होना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। हाँ नहीं ई का 2.303 नहीं है, ई का वैल्यू कितना है देखो आप बाद में चेक करो, हम एमबी सर को पूछो वो बताएंगे, 2.7 समथिंग है उसका कुछ वैल्यू। हाँ ठीक है जो भी है, पर ई एक्सपोनेंशियल होता है लॉग में। हाँ तो ये हो गया। हाँ प्लस और लास्ट थिंग क्या है, ए और बी सी के बीच में कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन शुड बी इन प्रॉपर डायरेक्शन, अभी ए बी के साथ कोलाइड करना चाहिए। अरे बोल्ट्जमैन क्या दिखाता है, बोल्ट्जमैन हमें बताता है कि आपके पास 20 लाख में से कितने मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो वो हमें बोल्ट्जमैन बताता है। तो ये अगर यहाँ पे वैल्यू डालोगे समझो ये वैल्यू आपको आता है 0.6, मतलब क्या 0.6 × 100 60, मतलब 60% मॉलिक्यूल से एक्टिवेशन एनर्जी आउट ऑफ 100%। अगर आंसर आता है 0.45, मतलब क्या 45% मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, तो बोल्ट्जमैन आपको बताता है कि आपके पास जो भी आपके पास कंटेनर में जितने मॉलिक्यूल्स है उसमें से कितने मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमें बोल्ट्जमैन बताता है। ठीक है यहाँ पे हाँ ए और बी सी के बीच में टक्कर हो रहा है, प्लस ए और बी बॉन्ड बनाने वाला है तो ए एंड बी के बीच में टक्कर होना चाहिए, पर ए एंड सी के बीच में टक्कर हुआ, ए और सी के बीच में बॉन्ड बनने वाला है नहीं, तो ए एंड सी के बीच में कोलिजन हुआ। देखो कोलिजन भी हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी भी है, मतलब इतना सफिशिएंट एनर्जी से कोलिजन हो रहा है पर डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, कुछ फायदा है बिल्कुल नहीं, तो ये कोलिजन फ्रूटफुल नहीं है, इस कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा। मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था, OH should attack from back side, then OH and C can form the bond, but if OH attack from front side, there is no bond formation of bond between carbon and OH, so no reaction. तो क्लास उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और उसको हम लोग बोलते हैं चांसेस, कितने मॉलिक्यूल्स समझो हमारे पास 60 लाख मॉलिक्यूल्स है, क्या 60 लाख के पास एक्टिवेशन एनर्जी है, 60 लाख कोलाइड कर रहे हैं पर क्या 60 के 60 लाख प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं, नहीं कुछ प्रॉपर में करेंगे कुछ प्रॉपर में नहीं करेंगे। तो ये पी क्या बताता है आपको, कितने मॉलिक्यूल्स प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड कर रहे हैं पी। तो ये तीनों फैक्टर मतलब साथ में लेते हैं, तो क्लास पहला फैक्टर था कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड, जो रिएक्शन का रेट बताएगा डिसाइड करेगा, तो ये जेड यहाँ पे आ गया। दूसरा फैक्टर बताएगा पी, मतलब कितने फ्रैक्शन के पास एक्टिवेशन एनर्जी, कितने फ्रैक्शन प्रॉपर कोलाइड कर रहे हैं वो पी, और तीसरा फैक्टर कितने फ्रैक्शन के पास एक्टिवेशन एनर्जी है वो तीन। तो ये तीनों फैक्टर जब कंबाइन करेंगे 1, 2, 3 तो हमें पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट के। तो प्लस पी एंड जेड को हम लोग कंबाइन करेंगे, तो पी एंड जेड बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो पी एंड जेड को अलग अलग लिखने से हम क्या करते हैं कंबाइन करके उसको ए लिखते हैं, और ये को बोलते हैं हम लोग अरेनियस फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो दिस इक्वेशन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर। जेड क्या होता है, अरे जेड तुम लोग ना ध्यान नहीं दे रहे बच्चे लोग, जेड यहाँ पे कितनी बार जेड क्या होता है देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में अगर आपके पास 1 लीटर कंटेनर है तो उसमें 1 सेकंड में कितनी बार कोलिजन हो रहा है, That is called as a collision frequency Z. ठीक है? Yes, doubt clear है? या फिर और किसी तरीके से बताओ? Okay. तो PZ. तो क्लास दिस इक्वेशंस पढ़ दो Arrhenius. P क्या होता है क्लास? ध्यान दो. P क्या होता है? P क्या होता है? बोलो. अगर आपके पास 60 लाख मॉलिक्यूल्स है, समझो ये 60 लाख मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी चांसेस राइट 50-60 लाख मॉलिक्यूल्स है जो कोलाइड कर रहे हैं, क्या सब मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करते हैं, क्या सबके सब प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं, नहीं कुछ करते कुछ नहीं करते, तो कितना चांसेस है कि मॉलिक्यूल प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं, राइट बराबर है ओम पांडे परफेक्ट, कितने मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलिजन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके गॉट इट,
थोड़ा दिस इक्वेशन पढ़ा थोड़ा अरेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए इनटू ई रेज़ टू माइनस ई अपॉन आर टी. तो क्लास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अभी इसी साल आ चुका है, सॉरी लास्ट ईयर था 2019 में था. राइट अरेनियस इक्वेशन आपको लिखना है, सिर्फ इक्वेशन पूछते हैं वो. राइट अरेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन द टर्म इन वर्ड. तो क्लास के क्या है बताओ, यहाँ पे अरेनियस इक्वेशन में के क्या होता है, आपने सीखा है पूरा चैप्टर उसके ऊपर डिपेंड है. क्या हम क्या बोलते हैं के को, हम लोग के बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट. के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट. What is EA called as? मैंने आज सीखा आपको, EA is called as the activation energy. T stand for temperature. A क्या होता है, अभी देखा हम लोगों ने, ये P into Z का product होता है A, इसको बोलते हैं Arrhenius factor या फिर frequency factor. Constant है, वो भी constant है. So K is equal to A into E raised to minus E upon RT. This equation is called as the Arrhenius equation. Plus collision theory अभी तक board exam में कभी भी पूछा नहीं गया. अरेनियस इक्वेशन बहुत बार पूछा गया है. क्या रखना आपको, ये इक्वेशन रट्टा मारना है. क्या k is equal to a into e raised to minus e upon rt. बुक में ये भी एक्सप्लेन नहीं किया, ये आया कहां से, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है ये अरेनियस इक्वेशन डेवलप कैसे किया हम लोगों ने. तो k is equal to a into e raised to minus e upon rt. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द अरेनियस इक्वेशन. ठीक है, तो अरेनियस इक्वेशन लिखा हम लोगों ने. हाँ, तो प्लस ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो किसने थोड़े टाइम पहले मुझे पूछा था मुझे, अभी हम लोग उसको लॉग के फॉर्म में लेके जाना है, लॉगरिथम फॉर्म में. हम लोग क्या करेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड का लॉग लो. अगर दोनों साइड का लॉग लोगे तो लॉग टू द बेसिक को क्या लिखते हैं हम लोग लॉग टू द बेसिक को लिखते हैं ln. तो मैं दोनों साइड का नेचुरल लॉग लूंगा तो क्या होगा, ln k, मतलब लॉग टू द बेसिक इज इक्वल टू ln प्लस लॉग a इंटू बी. क्या होता है लॉग a इंटू बी, क्या होता है यहाँ पे बीच में इंटू साइन है. लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b. तो यहाँ पे अगर ln a प्लस ln e raised to माइनस ए अपॉन आर टी. लॉग ए इंटू बी क्या होता है, इसका भी लॉग लिया इसका भी लॉग लिया, समझा. तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी. तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई रेस टू माइनस ए अपॉन आर टी. ओके, आपको एक रूल और मालूम है, पावर गोज इन मल्टीप्लीकेशन. तो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस माइनस ई ए अपॉन आर टी, बिकॉज पावर गोज इन मल्टी, पावर यहाँ पे आएगा. आई होप यू नो दिस, पावर गोज हियर, ई रेज टू ई अपॉन आर टी इन टू एल एन ई. प्लस एनी बडी नो वट इज वैल्यू ऑफ एल एन ई, लॉग ई विद बेसिक आंसर कितना आता है. यहाँ पे एल एन मतलब लॉग टू द बेसिक, वेरी गुड. तो लॉग ई कितना वैल्यू होता है, वन होता है. तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, निकल जाएगा इक्वेशन से. तो अगर मैं इसको लिखता हूँ एक बार वापस लिख के दिखा था आपको पूरा, अगला अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन है k इज इक्वल टू a इंटू e रेस टू माइनस ea अपॉन rt. दिस अरेनियस इक्वेशन, टेक लॉग ऑन बोथ साइड. तो ln k इज इक्वल टू ln ऑफ a इंटू e रेस टू माइनस ea अपॉन RT. ln k is equal to, अभी a into b क्या होता है, log में log a plus log b. तो ln a plus ln e raised to minus e upon RT. Okay, ये power है, power goes in multiplication. तो क्या होगा, ln k is equal to ln a plus minus e upon RT into ln e. But ln e का वैल्यू होता है, ln e मतलब log to the base e with e, 1. Therefore, ln k is equal to ln a or plus minus 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 e upon RT. ठीक है, प्लस लॉग का और एक रूल होता है, अगर आपका लॉग का बेस 10 करना है तो ln e is equal to 2.303 into log to the base 10. अगर आप लॉग का बेस e से लॉग का बेस 10 करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303. रूल मालूम है आपको, अभी भी अगर लॉग का बेस e से लॉग का बेस 10 करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303. तो मुझे इसका बेस e से 10 करना है तो मैं क्या लिखूंगा,
2.303 लॉग टू द बेस 10 क्या किया मैंने, बेस को ई से 10 किया, तो अगर लॉग का बेस को ई से 10 करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303 इज इक्वल टू ln a, तो मुझे इसका भी बेस 10 करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2.303 लॉग टू द बेस 10 a, यहां पे लॉग है नहीं तो माइनस ea अपॉन rt देन ना अभी क्या करेंगे डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2.303 डिवाइड बोथ साइड बाय 2.303 2.303 डिवाइड करो तो क्या आएगा लॉग टू द बेस 10 के डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए ये भी चला जाएगा माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस देन ओके प्लस इक्वेशन को मैं रिअरेंज करूंगा तो इफ आई रिअरेंज दिस इक्वेशन तो ln के सॉरी आई एम सॉरी लॉग टू द बेस 10 के बराबर है इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/d तो प्लस ये टर्म देखो मैंने ऐसे लिखा प्लस 3 माइनस 5 को माइनस 5 प्लस 3 लिखा जा सकता है 3 माइनस 5 को ऐसे लिखा जा सकता है हाँ या ना अरे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है कैन आई या हाँ ना तो प्लस ये टर्म मैंने पहले लिया ये टर्म बाद में लिया पहले ये टर्म बाद में ये टर्म तो मैं इस टर्म को पहले लेता हूँ इस टर्म को पहले लेता इसको बाद में तो माइनस को पहले लिया प्लस को बाद में लेता तो प्लस लॉक टू द बेस 10 ए मैंने क्यों किया जानबूझ के क्या रीजन बताता आपको मैं हाँ प्लस देखो ये टी मैंने बाहर जानबूझ के रखा माइनस ई अपॉन 2.303 आर और ये 1/t यहाँ पे टी एक्चुअली ये टर्म पूरा यही है पर मैं टी को अलग रखा उसका रीजन बताता हूँ बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे के चेंज होगा राइट ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट है और ए भी कॉन्स्टेंट है तो क्लास दिस इक्वेशन बिकम ऑफ टाइप वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बता रहे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका लॉग टू द बेस 10 के वर्सेस 1/t का टेल मी व्हाट्स द नेचर ऑफ ग्राफ लाइन शुड पास थ्रू ओरिजिन और शुड नॉट पास थ्रू ओरिजिन लाइन ओरिजिन से पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपका एक्स एक्सिस 1/t है आपका वाई एक्सिस लॉग टू द बेस 10 के है अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ओरिजिन से पास नहीं होना चाहिए बिकॉज का इंटरसेप्ट सी है तो लाइन में इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस ओके लाइन का स्लोप नेगेटिव है लाइन का स्लोप नेगेटिव है लाइन शुड गो डाउनवर्ड लाइक दिस नेगेटिव स्लोप है ना एंड इसका व्हाट इज वैल्यू ऑफ स्लोप इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर अगला दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट इक्वेशन ठीक है तो दिस अरेंजमेंट इक्वेशन प्लस 1/t प्लस अगर 1/t बढ़ रहा है मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है कम हो रहा है और टेम्परेचर कम हो रहा है तो के वैल्यू भी कम हो रहा है देखो प्लस ये 1/t है जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना 1/t कम होता जाएगा अगर 1/t बढ़ रहा है मतलब क्या अगर 1/t का वैल्यू बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे अगर 1/t का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब t का वैल्यू कम हो रहा है और t का वैल्यू कम हो रहा है तो k का वैल्यू भी कम हो रहा है यू कैन से वेरी क्लियरली तो t डिपेंड्स ऑन k सॉरी k डिपेंड्स ऑन t एज t इंक्रीजेस k इंक्रीजेस एज t डिक्रीजेस k आल्सो डिक्रीजेस सो दिस इज अरेंज इक्वेशन इन ग्राफिकल फॉर्म प्लस अभी के अभी ये इक्वेशन बाहर कर लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू सॉल्व न्यूमेरिकल इस मार्क न्यूमेरिकल से आता है ये फॉर्मूला याद रखो log to the base 10 k is equal to minus e upon 2.303 r into 1/t plus log to the base 10 a this is Arrhenius equation okay class take 2 minutes aur ye equation abhi ka bhi bahar kar lo very very important to hum iska aur ek form dekh lenge ye ho gaya Thank you.
ए विल बी कॉन्स्टेंट. देखो क्या बताता हूँ मैं आपको, क्या बोला मैंने, ए का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, नो डाउट. देखो k is equal to p into z into e raised to minus a upon r2. So there is collision frequency and p is the probability, or you can say number of collisions proper orientation, or p and z dono bhi temporary pe depend nahi hote, and p constant, z is constant, p into z is also constant, or you don't know a Arrhenius factor ya frequency factor a. Sir, hello. Haan bolo. Sir, but as temperature will rise, the collision will increase, no? हाँ, increase ना हो तो. हाँ तो उससे वो a change हो जाएगा ना? अरे per unit time per unit volume. Okay. Per unit time per unit volume, समझ में आ रहा है? Collision बढ़ेगा, पर वो पूरे बिखरे बढ़ेगा ना, पर per unit volume का number of collision frequency तो वही रहेगा ना, frequency. हम लोग number of collision नहीं बोल रहे, हम लोग collision frequency बोल रहे हैं, frequency per unit time per unit volume. हो गया. हाँ तो क्लास अभी लास्ट थिंग, तो हमने अभी इक्वेशन देखा क्या. ओम पांडे बोलो जरा, वो पता आपका वो पुराना नहीं आ रहा मैसेज, बोलो बोलो आप. सर वही जो ए बाय अपॉन 2.303 आ रहा है उसको कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया. हाँ ये कौन क्यों एक्चुएशन है, जारी रिलेशन फिक्स होता है. हाँ क्या हुआ तो क्या एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा ना प्रोपोर्शनलिटी का. हाँ पर ये सब कांस्टेंट ही है ना. ओके. हाँ ये ई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है. हाँ तो अगर टी चेंज होगा तो सब चेंज होगा. जब तक टी चेंज होता है ये सब वैल्यू, मतलब ए अपॉन 2.303 यार ये कांस्टेंट है पूरा. ओके. फॉर गिवन रिएक्शन, हर एक रिएक्शन का एक्चुएशन एनर्जी फिक्स होता है सर. सब फिक्स मतलब सेम होता है कि लाइक उनका सेम नहीं होता, हर एक नहीं फिक्स होता, मतलब सेम नहीं होता बोला. हर एक रिएक्शन एक्चुएशन अलग होता है, स्पेसिफिक होता है. फॉर गिवन रिएक्शन, समझो मैं बोलता हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट 20 किलो जूल है. हाँ और तो वो 20 हमेशा रहेगा, पर किसी और रिएक्शन में कुछ और भी हो सकता है. तो फॉर गिवन रिएक्शन आई एम सेइंग ये इज कांस्टेंट. ठीक है. हां बे लास्ट थिंग, तो हमने अभी देखा कि लॉग टू द बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t. ये हमने अभी डेरिवेशन किया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर. लॉग टू द बेस 10 ए. ठीक है. तो क्लास में बोलता हूँ, अगर टेम्परेचर T1 है, जब टेम्परेचर है T1 केल्विन, तो K होगा K1 बिकॉज K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. सपोज हम समझे रिएक्शन चालू हो रहा है. हाँ इफ रिएक्शन इज At reaction taking place at 30 degree Celsius. So suppose I increase temperature and make temperature 60 degree Celsius. So the temperature changes from T1 to T2. Now K will change from K1 to K2, right? So suppose I put this condition here at temperature T1. Kya hoga? Log to the base 10 K1 is equal to minus Ea upon 2.303 R 1/T1 plus log to the base 10 A, equation number 2. Yeah, this is at temperature T1. Now at temperature T2, log to the base 10 K2 is equal to minus Ea upon 2.303 R 1/T2 plus log to the base 10 A, equation number 3. So plus this is value of K at T1, this is value of K at T2. So K is K1 at temperature T1, K is K2 at temperature T2. So ye aapko do temperature pe alag alag equation milega. Agar jab tak temperature constant, jab tak temperature constant, tab tak K constant. If temperature changes, K changes. Plus hum kya karenge, equation 2 and 3 ko subtract karenge. Equation 3 minus equation 2. To kya hoga? Log to the base 10 K2 minus log to the base 10 K1. हम लोग common लेंगे EA upon 2.303 को, EA upon 2.303 R 1 upon T2 और plus minus minus plus हो जाएगा, तो plus EA upon 2.303 R into 1 upon T1 plus A और A cancel हो जाएगा, बराबर ना? Subtract करोगे तो ये भी positive, तो subtract करोगे cancel हो जाएगा. Okay,
प्लस मैं इसको लिखूंगा लॉग टू द बेस 10 के 2 माइनस लॉग टू द बेस 10 के 1 प्लस माइनस 3 प्लस 5 को हम लोग 5 माइनस भी लिख सकते हैं, चलेगा ना। तो ये टर्म मैं पहले लिखूंगा जो पॉजिटिव है और ये टर्म बाद में लिखूंगा जो नेगेटिव है। तो क्या होगा, ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी 1 माइनस, ये माइनस है, ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1 अपॉन टी 2 प्लस लॉग ए माइनस लॉग बी। क्या होता है, लॉग ए बाय बी, बराबर है। तो लॉग टू द बेस 10 के 2 अपॉन के 1 लॉग ए बाय बी इज इक्वल टू, प्लस हम लोग यहाँ पे कॉमन लेंगे ई ए अपॉन 2.303 आर, इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी 2। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फ्रॉम द चैप्टर टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। तो क्लास न्यूमेरिकल्स आपको either on this equation or this equation, the numerical for minimum 3 marks or minimum नहीं, maximum भी 3 marks का ही होता है। So these are two equations to solve numericals for Arrhenius equation, this one and this one. And next lecture में हम लोग ये numericals सब complete करेंगे and that will be the end of the chapter. Please एक बार देख लो equation दोनों भी। Hello, MBC sir, यह कमलेश सर कौन है यहाँ पे? हाँ बोलिए सर। हाँ सर, मतलब हो गया, बच्चों को डाउट्स पूछने को बोले अगर कुछ है तो। ठीक है सर, अगर किसी को डाउट है पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंटिन्यू करेंगे आगे। हेलो सर। हाँ सर, यहाँ पर एक और मेंशन है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, ये वर्ड मेंशन है यहाँ पर। पोटेंशियल बैरियर मतलब ये देख, बैरियर क्या होता है तुझे ये